है ना, जरा बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक भाई अभी इधर गए थे, इतनी खूबसूरत चैन पहने थे हाथ में, मैंने बहुत देर तक उसकी तरफ देखा, आप लोग भी देख रहे थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। भाइयों के हाथ में, आपके हाथ में कड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो, है ना। अच्छा बाबू ये सही है पहनना कि गलत है, हमें भी पता नहीं इसका, गलत है। और ये इतनी मोटी ये चैन पहनना, ये तो सही होगा, चांदी की है, ये भी गलत है। अच्छा वो बकरे जैसे जंजीर गले में डालना, वो भी गलत है। अच्छा और चैन की घड़ी पहनना, वो भी गलत है। अब आपने नहीं, हमारे उलमा ने कहा, आला हजरत को जानते हो बरेली वालों, मैं देहाती बात करने लगा हूँ ताकि आप समझ लें सीधे सीधे। मैं मिंबर वालों को समझाने नहीं आया हूँ, आपको कुछ बात बताने आया हूँ। ये समझे समझाए हैं इन्होंने, बहुत मेहनत की है मदरसे में, सब पढ़े लिखे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। क्या अर्ज करने लगा था मैं, आला हजरत जो है ना बरेली वाले, जो हम नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत, है ना, वो कहते हैं कि ये जो चैन की घड़ी है ना, ये मकरूह है। क्या है? मकरूह तहरीमी, नमाज नहीं होती इसे बांध के। नमाज का पलटाना, दोबारा पढ़ना वाजिब है, समझ रहे हैं आप। जबकि घड़ी बड़े काम की चीज होती है, टाइम वाइम देखना पड़ता है। अब बताओ वो उसकी इजाजत नहीं है तो ये मोटी मोटी जो जंजीरें हैं, चैन है बकरे जैसे गले में चैन है। अच्छा बास बास का तुम आफ्ताब साहब, हाल ये है कि हाथ में बड़े बड़े कड़े हैं, बकरे जैसे जंजीरें हैं और कान भी छिदा हुआ है। हाँ तो मैंने कहा यार एक बचा था सिर्फ नाक, ना किसी और छिदवा ले, गलत तो नहीं बात हमारी भाई, इसे ही क्यों सूनी छोड़ी है, इसे भी छिदवा ले। दौर बदल गया, हालात बदल गए, शहरों का आलम यह है कि हमारी अभी अल्लाह का फजल है कि देहात बहुत ठीक है। हमारी माँ बहनों की जो जेबो जीनत थी, शहरों का हालत यह है कि न उनके हाथ में चूड़ियां हैं, न कुछ गले में है, न कुछ है, बिल्कुल एकदम मक्कारियों की जिंदगी उनकी गुजारती हैं वो लोग। हालत बड़े अजीब रंग है उनका, तो जैसे उन्होंने हाथों से पैरों से गले से उतार के फेंके तो ये भाई आगे खड़े हो गए और ये बोले कि लाओ मेरी बहन, तुमने फेंक दिए उतार के, लाज हम बचाएंगे, हमें दे दो। तो ये भाई बताओ अजीब रंग है यार तुम्हारा, तुम नबी के गुलाम हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हो। मेरे दोस्तों सख्ती से मना, बेटा तुम भी निकालो गले से जल्दी, चैन है तुम्हारे गले, निकालिए, निकाल दो बिल्कुल, तोबा करके जाओ, इसी महफिल में तोबा करके जाओ। जिसके गले में चैन है वो निकाल दीजिए, हाथ में चैन है उसे निकाल दीजिए, कड़ा है कड़ा, हाँ ये भी निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए। यार अगर मैं कुछ कहूंगा तो बात कड़वी है, मगर चलो मैं मोहब्बत से आपको समझाने लगा हूं। ये हमारा आपका तरीका नहीं है यार, तुम मेरे अपने भाई हो, मैं भले से यूपी का रहने वाला, मैं भले से अमरोहा से आया हूँ, मगर एक रिश्ता है यार मेरा आपका। इन नमल मुमिनून इखवा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, एक रिश्ता अजीम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते से आप मेरे भाई हैं, अगर मैं आपको ना समझाऊंगा तो कौन समझाने आएगा यार, है? आप मेरे भाई हैं, बाबू मेरे भैया बेटो, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, है ना, ये आपके अंदर जो गिलाजत है ये नहीं होनी चाहिए। अपने आलिमों के करीब बैठो, अपने आलिमों से दीन सीखो और अपनी जिंदगी को अच्छाई की तरफ ले जाओ, है ना। दुनिया बड़ी मुख्तसर है नौजवानों, मैं सच बात करने लगा हूँ। मैंने बड़े बड़े सूरमाई छोटी सी उम्र में मुल्क को देखा, बैरूनी मुल्कों को देखा, कई मुल्कों में मैंने तकरीरें की हैं। रब का बड़ा एहसान है कि मैंने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं। तुम आप लोग बैठे बड़ा मुख्तसर सा मजमा है, मगर कभी दिल नहीं टूटता क्योंकि मैं नबी की बात करने लगा हूँ। यहाँ हम लाखों में करते हैं, वहां तो 2 भाई भी हमारे बैठे तो वहां भी नबी की बात करने लगे। मगर मैं आपको बताने लगा हूँ नौजवानों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूछों पर चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, डंके बसते थे, अल्लाह कसम मैंने देखा है उनकी कब्रों के तख्ते टूट गए, उनकी कब्रों की मिट्टी जमीन, इनकी कब्रों की मिट्टी जमीन की तरफ धस गई, उनकी कब्रें हमने फटती हुई देखी है, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। अच्छा बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रहा आपको, कोई बेचैनी तो नहीं है, जरा बोल के दिखाएं कैसे बोलते हैं आप लोग। हाँ एक नारा लगाएं हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी यार दिल राजी नहीं हो रहा, एक एक हाथ उठाएं, नबी देख रहे हैं मुझे दिखाने के लिए ना, अल्लाह कसम हसनैन के नाना मदीने से ना मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, आका को दिखाने के लिए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हाथ लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुक्म हुआ है, मैं मीलाद बयान करने लगा हूँ थोड़ी देर। अब दो तीन शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ। भाई कारी मोहम्मद अली फैजी बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लंबे जमाने तक हम और आप नबी की नात सुनते रहे, मगर जहाँ उनकी आपने मीठी आवाज सुनी है तो मुझ जैसे हकीर फकीर की दो तीन शेर कड़वी आवाज में सुन लो, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। मैं अपने पीर व मुर्शिद के नौके कलम से निकले हुए तीन शेर आप तक पहुँचाने लगा हूँ, जिसे पूरी दुनिया ताजुशरिया अले रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। अच्छा जानते हो कौन है ताजुशरिया? सुनो मेरे पीरो मुर्शिद मुआफ्ताब साहब, ताजुशरिया अले रहमा हयात थे, उस वक्त की बात है। कलियर शरीफ में दयारे साबिर पाक में बहुत सारे इलाके के कद्दावर उलमा बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग तो वहां गली गली में टहलते हैं, तो ऐसी थूक इधर उधर बह रहा है, बाल में ना गर्दों को बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं, ऐसे निकले आलिमों के करीब से और उधर देख के मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से हजरत की तरफ देखते हैं। हजरत हमारे इलाके के उलमा ने बड़े प्यार में कहा, हजरत आप बता दीजिए कौन है? तो वो जो बुजुर्ग थे ना मजजूब बुजुर्ग, वो मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। तो उस जात के कलम से निकले हुए दो तीन शेर मैं आप तक पहुंचाऊं, दुआओं से नवाजे। प्यार नहीं बेटा, एक दूसरे के ऊपर नहीं, अपने सहारे से या अदब के खिलाफ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थकान का मुझे एहसास नहीं होना चाहिए, आप लोग बोलें, जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुजमहिल जाता, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुजमहिल जाता, के दाग फुरकते तैबा, कल्ब मुजमहिल जाता, कल्ब मुजमहिल जाता, अरे काश गुंबदे खजरा। मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल, जरा बुलंद आवाज से पढ़ ले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, एक जबान भी खामोश न रहे, काश गुंबदे खजरा, पढ़िए काश गुंबदे खजरा देखने। नौजवानों यार हमने देखा है एक एक लाख के मोबाइल अपनी जेबों में डालने के बाद गली कूचों में काने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो, ज़बाने खोलो मेरे साथ प्यार में बोलो, हाथ उठा के लहरा के बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा, उठाइए हाथ उठाइए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा, पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और अपने उलमा की तरफ से शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं कि दम मेरा निकल जाता, नौजवानों देखें मुझे देखें, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर, चेहरे खिल जाएंगे सुने, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर, उनके आस ताने पर, और उनके आस ताने की, उनके आस ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। खड़े होके, खड़े होके लगाइए नारा, खड़े होके लगाइए,
मसला के आला हजरत ले बेटा शर्माते नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो क्या हो गया, सीखने की उम्र है, सीखिए आप लोग, हाँ सीखने की उम्र है। बोलिए मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बुलंद आवाज से बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, उसी जात का कलाम है जिसका नारा लगाने लगे हो। अरे काश गुंबद खजरा, इसे नीचे करिए, नीचे करिए, काश गुंबद खजरा, लहरा के मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबद खजरा देख मिल जाता। खर्रा ही खाना आता, नात पढ़नी नहीं आती तुम पे यार, पढ़े मेरे साथ साथ, काश गुंबद है खजरा देखने को मिले। हुक्के के चक्कर में ना लगो बेटा, जो करना करते रहो, मगर देखो इधर, काश गुंबद है खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने बड़ा कीमती, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से कले मिल कर, मौत से कले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से कले मिल कर, जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को। मुस्कुरा के पढ़े, मुस्कुरा के, काश गुंबद खजरा देखने को।